Sankittena panchupadana kandha
वन्दिनी सेयतीतं कामतन्ना भवतन्ना विभवतन्ना इदं कोपन भिक्खवे दुःखनिरोधं अरियसत्यं योतस्सायेव तन्नाय अशेषविरागनिरोधो चाको पटिनिस्सग्गो पदारिय सच्चं अयमेव अरियो अष्टाङ्गिको मग्गो सेयतीदं सम्मादित्ति सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि अरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनेनुस्सुते सुतं मेसु चक्खुं उत्पादि ज्ञानं उत्पादि पञ्ञा उत्पादि विद्या उत्पादि आलोको उत्पादि तन्कोपनिदं दुःखं अरिय सच्चं परिज्ञान्ति मे भिक्खवे सुदम्मेषु चक्खुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तन्कोपनिदं दुःखं अरिय सच्चं परिज्ञातन्ति मे भिक्खवे समुदयं अरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनुस्सुते सुदम्मेषु चक्खुं उत्पादि ज्ञानं उत्पादि पञ्ञा उत्पादि विद्या उत्पादि आलोको उत्पादि तन्कोपनिदं दुःखसमुदयं अरिय सच्चं समुदयं अरिय सच्चं पहिलन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनेनुस्सुते सुदम्मेषु चक्खुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखनिरोधं अरिय सच्चन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनेनुस्सुते सुदम्मेषु चक्खुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तन्कोपनिदं दुःखनिरोधं अरिय सच्चं सच्चिका तप्पन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनेनुस्सुते सुदम्मेषु चक्खुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि तन्कोपनिदं दुःखनिरोधं अरिय सच्चं सच्चिकतन्ति मे भिक्खवे पुब्बे अनेनुस्सुते सुदम्मेषु चक्खुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि इदं दुःखनिरोधं
बोधगामिनी पटिपदारिय सच्चन्ति मे विक्करे पुंपे अनुसुते सुदम्मे सुचक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आरोहो उदपादि सोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं भावे तब्बन्ति मे विक्करे पुंपे अनुसुते सुदम्मे सुचक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आरोहो उदपादि सोपनिदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा अरिय सच्चं भावितंति मे विक्करे पुंपे अनुसुते चक्कुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आरोहो उदपादि यावति वञ्च मे विक्करे इमे चतुर्थो पर्य सत्येषु एवं त्रिपरिवर्तं दाससाकारं यथा भूतं ज्ञानदर्शनं न सुविशुद्धं अहोस्येवतावाहं विक्करे सदेवके लोके समानके सर्वात्मके सत्समन ब्राह्मण्या पजाय सदेव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं अपि सम्बुद्धो पच्चन्यासि यतो च कोऽपि विक्करे इमे सुचतुषु अरिय सत्येषु एवं त्रिपरिवर्तं द्वादशाकारं यथा भूतं सुविशुद्धं अहोति अताहं विक्करे सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सत्समनब्राह्मण्यापजाय सदेव मनुत्साय अनुत्तरं सम्मा सम्बोधिं अपि सम्बुद्धो पच्चन्यासि पनमे दत्तनं उदपादी अकोपामे चेतो विमुक्ति अयमन्ति मा जाति नत्ति तानि पुनः भवोति इदम् वोच भगवा अत्तमना पञ्चवक्किया भिक्खो भगवतो भासितं अभिनन्दन्ति अस्मिन् च पनवेयाकरणस्मिन् मन्यमाने आयस्मतो कोण्डन्यस्य विरजं वीतमलं धम्मचक्कुं उदपादि लङ्किञ्चि समुदय धम्मं सप्पन्तं निरोधधम्मं पवत्ते च पन भगवता धम्मचक्रे ब्रह्मा देवा सत्यमनोस्सावेशं भगवता वाराणस्यां निशिपतने विगताये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अप्रतिवर्त्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचि वा लोकस्मिन् मानं देवानं सत्तं श्रुत्वा जातुं महाराजिका देवा सप्त मनुष्या जातुं महाराजिकानं देवानं सत्तं श्रुत्वा
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हाँ 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 सर, समझ लिया सर, पूरा मेरा ऑन कर रखा है। सामने सर जी, प्लीज 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 सर सर प्लीज 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 बाय 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 रिक्वेस्ट प्लीज सर 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 प्लीज प्लीज सर आप सामने सर चलिए आप आगे चलिए आगे चलिए आगे थोड़ा सा साइड साइड से आप आइए सर साइड से।
क्यों मैं नहीं ले रहा हूँ टॉम के साथ लेने क्या तो टैली लेंस रख लेना बिजली में गायब हो रही थी ना ठीक है पूछो बिजली में गायब हो रही थी आपकी टेंशन नहीं
साइड स्विच, साइड स्विच कर दो मैडम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वाद दीजिए हम सब। हम लोग का आपका आशीर्वाद से एक पूरा विकास हो रहा है। आपको शुरुआत से लेकर मदद मिला आपका पूरा तत्व विभाग तरफ से पूरा खुदाई हुआ हस्ती मिला ये पूरा डेवलपमेंट विकास के लिए उसी वक्त में उत्तर प्रदेश गवर्नर जनरल का कोशिश टाइम में ये मंदिर का शिलान्यास के लिए आया और हस्ती देने के लिए पूरा तत्व विभाग में आराम शाह कैसा सैजन मार्शल वो लोग ने आया पूरा तत्व विभाग तरफ से कल्चर मिनिस्ट्री से और उत्तर प्रदेश सरकार तरफ से पूरा मदद मिल रहा है, विकास हो रहा है।
जी थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाए सब लोग। जपन एम्पर ने नियुक्ति कर लिया उनका धर्मराज महाबुद्ध का स्थापना के उस वक्त में
स्पेन में जाकर पूरा मेंबर से अनुरोध कर लिया है कि हम भी बहुत से दूसरे से बड़ा फेमस पेंटर था और भी इधर आकर पेंटिंग करा जाए भगवान बुद्ध का पूरा जीवन उसको ये तो भगवान बुद्ध ताज मिलने के लिए गया अपने मन को शहर में अभी आपने हम लोग के लिए नया आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी पेड़ का संगमित्ता ने श्रीलंका लेकर गया और श्रीलंका से पेड़ लिया बुद्ध जयंती पास गई वो भी श्रीलंका से लिया पीछे देखिए देवी सज्जनों, हम सबके लिए जो प्रतीक्षा की घड़ी थी वो समाप्त होने वाली है, क्योंकि आज के इस आषाढ़ पूर्णिमा के पावन दिवस पर पवित्र धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के इस आयोजन में माननीय राज्यपाल महोदया का शुभागमन हम सबके बीच होने जा रहा है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, जो कि भारत सरकार में संस्कृति राज्य मंत्री हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति भी इस अवसर पर हम सबके बीच में होगी। आपसे एक दो निवेदन ये है कि अपना मोबाइल फ़ोन आप साइलेंट मोड पर ज़रूर रख कर लें। प्लीज़ इंश्योर कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड पर है। देश और दुनिया भर से ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो कि भगवान बुद्ध के विचारों में, उनके उपदेशों में आस्था रखते हैं, वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ी आस्था के साथ इस कार्यक्रम की हर गतिविधि के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे सहयोग की अपेक्षा भी है, प्रार्थना भी है, निवेदन भी है। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम की छोटी सी एक रूपरेखा भी मैं आपको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदया का जब आगमन होगा, हम सब अपने अपने स्थान पर उनका स्वागत करेंगे और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा। उस समय स्वाभाविक रूप से हम सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। ये निवेदन और ये सूचना आपको मैं पहले से दे रहा हूँ। और उसके बाद कार्यक्रम की जो गतिविधियाँ हैं वो जो भी तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के अंत में भी एक बार राष्ट्रगान होगा और उस समय भी हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। यह अवसर जब कुछ ही पलों में हम सब के बीच, हम सब के मन में जिनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव है, सम्मान का भाव है, ऐसे श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय राज्यपाल महोदया का शुभागमन हम सब के बीच में हो रहा है और उनके आगमन के साथ ही ये कार्यक्रम जो है औपचारिक रूप से उसकी हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। बौद्ध परंपरा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा ये सौभाग्य है कि हम उस धरा पर, उस पावन धरा पर उपस्थित हैं और साक्षी बन रहे हैं इस कार्यक्रम का, जो हजारों वर्ष पूर्व, 2600 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, इसी पावन धरा पर पहला धर्मोपदेश भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को दिया था। और उसके बाद अनवरत ये यात्रा इस रूप में जारी रही कि देश भर में और दुनिया भर में बौद्ध धर्म को लेकर आस्था का एक ऐसा नया दौर शुरू हुआ जहां करुणा ने, प्रेम ने, स्नेह ने और दया ने मानव समाज को एक नया मार्ग दिखाया। उस समय की परिस्थितियां शायद उसकी आवश्यकता भी थी, लेकिन आज की परिस्थितियों में और भी ज़्यादा इसकी आवश्यकता है।
और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बौद्ध धर्म से जुड़े किसी भी अवसर पर अपनी भावनाओं संवेदनाओं को जब व्यक्त करते हैं तो उनके मन में जो सेवा का भाव है देश के लोगों के प्रति और दुनिया के प्रति पूरी मानवता के प्रति उसमें करुणा और प्रेम का आधार जरूर परिलक्षित होता है, उसका आभास हम सबको होता है। और ऐसी ही एक विभूति श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने गुजरात प्रदेश में शिक्षिका के तौर पर जिन्होंने अपने जीवन में एक दौर ऐसा जिया जब उन्होंने दूसरों के मार्ग जीवन को आलोकित किया शिक्षक के रूप में, और उसके बाद राजनीति में आने के बाद मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में और कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उनका स्नेह, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। वही करुणा का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, और उसी स्नेह भाव से वे प्रदेश के लोगों की सेवा और देश के लोगों की सेवा करती रही हैं। और आज श्रद्धा के इस अनुपम अवसर पर उनकी मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच उपस्थिति हम सबके लिए गौरव की बात है, गरिमा की बात है। भगवान बुद्ध ने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अतिवाद से जो बचने का एक मार्ग दिखाया, मध्यम मार्ग पर चलने का जो मार्ग दिखाया, और जीवन के प्रथम चरण में, तथागत के जीवन के प्रथम चरण में जिन परिस्थितियों से उनका आमना सामना हुआ, उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन के सत्य को पहचाना और अपनी साधना से मार्ग ढूंढा, उस मार्ग को जो उस लक्ष्य तक लेकर जाता है जहां पर निर्वाण और महापरिनिर्वाण का रास्ता जो है वो प्रशस्त होता है। जीवन के चार आर्य सत्य, और वो आर्य सत्य जो जीवन में अनुभव के आधार पर उन्होंने देखा, दुख है दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण के चार मार्ग, आठ मार्ग हैं, और उन अष्टांग मार्गों का अनुसरण कर कर ही हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्य जहां मानव कल्याण की भावना हो, जहां प्रेम हो, जहां स्नेह हो, जहां करुणा हो, और जहां दया का भाव हो जीव जगत के प्रति और इस पूरे सृष्टि के प्रति। और ऐसे ही भाव से प्रेरित होकर उन्होंने अष्टांग मार्ग का जो मार्ग हम सबको दिया है वो सचमुच जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो। दिव्य सज्जनों, माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल महोदया का शुभागमन हो रहा है। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। करतल ध्वनि तालियों के साथ राज्यपाल महोदया का बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में, और निवेदन आप सबसे कि अपने अपने स्थान पर ही आप खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। आइए हम सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है आप सभी का। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल का। आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको अभिभूत कर रही है, वंदन है आपका। दिव्य सज्जनों, इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का भी आपके करतल ध्वनि के साथ इस अवसर पर उनका स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती अमिता प्रसाद सारभाई जी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल पूज्य डॉक्टर धम्म पिया जी, हिज एक्स एमिनेंस सेवेंथ क्याब्जे योंगजिन लिंग रिनपोचे द्रिपुंग मोनेस्ट्री इंडिया, पूज्य मैथे साक्यपुत्ते वाइस चेयरमैन लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट नेपाल श्री अभिजीत हालदर,
डायरेक्टर जनरल आईबीसी, आप सभी का भी इस आयोजन में आपकी करतल ध्वनि के साथ, आप सबकी तालियों के साथ और आप सबका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज के इस पावन दिवस पर। पवित्र धरा सारनाथ की यहाँ हम सब उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूँगा राज्यपाल महोदया से और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और सभी अतिथियों से कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने श्रद्धा भाव को यहाँ पर अर्पित करेंगे और हम सब भी उसमें शामिल होंगे थेरावादा परंपरा और नालंदा परंपरा के मंगलाचरण के साथ। निवेदन राज्यपाल महोदया से और निवेदन मंत्री महोदया और सभी गणमान्य विभूतियों से कि वे दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सब्बीतियो विवाज्जन्तो सब रोगो विनस्सतु माते भवत्वंत सुखे दीर्घायुको भव भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता। नुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब दे सब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब रक्खन्तु सब देवता। सब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। Call
हमारे तेरावदा और नारंदा परंपरा के माध्यम से आप सबके लिए मंगल कामना की गई, सबके लिए कल्याण की कामना की गई। इस मंगलाचरण के माध्यम से बहुत बहुत आभार इन सभी का। देवी सज्जनों, में निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी से कि वे माननीय राज्यपाल महोदया को इस अवसर पर बुके भेंट करके, खतक भेंट करके उनका अभिनंदन करें। इस अवसर पर हम सभी अभिभूत हैं इस बात के लिए कि आज ऐसी विभूति का आगमन आज के इस कार्यक्रम में और सारनाथ की इस पावन स्थली में हम सबके बीच हुआ है, जिन्होंने स्वयं सेवा के माध्यम से लोगों के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोगों का ये सौभाग्य है और हम सबका ये सौभाग्य है कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं IBC के महानिदेशक श्री अभिजीत हलदर जी से निवेदन करूंगा, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी जो दिल्ली से यहाँ पधारी हैं, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में राज्य मंत्री के रूप में वे, उनकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको अभिभूत कर रही है। वे विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका आगमन हुआ है, तो खतक भेंट करके और बुके भेंट करके उनका भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की तरफ से संस्कृति मंत्रालय के इस आयोजन में, जो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मना रहे हैं, हजारों वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर भगवान बुद्ध ने जो करुणा का, प्रेम का, दया का, स्नेह का और जीवन में सत्य मार्ग पर चलते हुए निर्वाण प्राप्ति के, मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त किया, उसी का ये अवसर है, क्योंकि इसी धरा से वो उपदेश पहली बार उन्होंने दिया था। और इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी की गरिमामयी उपस्थिति में उनसे निवेदन करूंगा, अपने ओपनिंग रिमार्क्स के साथ, अपने उद्बोधन के साथ यहाँ आप सबके समक्ष पधारें और इस अवसर पर अपना संबोधन आप सबके समक्ष रखें। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, देवियों सज्जनों, आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के विचारों को, उनके जीवन को, उनके दर्शन को, आध्यात्म को जन जन तक पहुँचाने के लिए सदैव कृत संकल्प है। मीनाक्षी लेखी जी,
ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, वेनरेबल डॉक्टर धर्म दम्पिया सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईबीसी, हिज एक्सीलेंसी तेलो तुलकू रिम्पोचे जी, हिज एक्सीलेंसी कायबाजी योनजिन लिंग रिम्पोचे जी, आर जॉइंट सेक्रेटरी अमिता जी, अभिजीत हल्दर जी, डायरेक्टर जनरल आईबीसी, रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स, फॉलोअर्स, डिग्निटरीज, डिस्टिंग्विश गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमो बुद्धाय। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू बी हियर ऑन एन ओकेजन लाइक आषाढ़ पूर्णिमा एंड स्पेशली व्हेन धर्मचक्र परिवर्तन दिवस ऑन द फुल मून डे नाइट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एंड स्पेशली एट द होली साइट ऑफ सारनाथ नथिंग कैन बी मोर पायस देन द ओकेजन that we all are witnessing today. And so far as India is concerned, India is deeply associated with Buddhism, and the footprints of this religion in the middle land of India is for someone to see for oneself, and they are famous worldwide and known as Buddhist Circuit of India. And Buddhism and sites related to the life of Buddha are plenty and spread all over India. But today, on this occasion, I will not say much. I bring to you the message of none other than the Honorable Prime Minister of our country, Sri Narendra Modi ji, and I will read out that message to you. So the message from Prime Minister Mr. Modi is, greetings to everyone on the holy occasion of Ashar Purnima. This is a day on which we remember Bhagwan Buddha, his teachings and the way he transformed the world. He instilled in us the values of pursuing knowledge, living a noble life with discernment, accepting everything with equanimity and selfless service to others. Bhagwan Buddha and his teachings have been a source of strength and inspiration for millions of people across the world for thousands of years. In these turbulent times, his wisdom is all the more relevant, helping people individually and collectively. The day that the holy river of Bhagwan Buddha's knowledge began to quench our thirst to overcome our sufferings, therefore, is a landmark day in the history of the world. This day is celebrated as Ashar Purnima in many different countries as the day on which Bhagwan Buddha empowered us all against sorrow and strife by showing us a path to transcend them rather than deny or dodge the universal truth of suffering. He taught us to face it, fight it, and overcome it. The utterances of Bhagwan Buddha came from a source of deep divinity and realization. His first sermon at Sarnath may have been to five people, but the power of his words was such that it resonates with millions of people even thousands of years later. Even when we just see the iconic image of Bhagwan Buddha delivering his first sermon, there is a feeling of serenity and strength that it evokes in us. This is much needed in the world today. At a time when people are looking for guidance in building a sustainable future, whether in terms of individual lifestyles or as countries and communities, Bhagwan Buddha's teachings can be a valuable source of inspiration. While living in harmony with environment is important, living in harmony with each other is equally crucial in rapidly globalizing diverse world. The wisdom of Bhagwan Buddha, which awakens the spirit of oneness with the whole world, is extremely valuable in dissolving divides and bringing people together. Stress has become a silent killer, especially for people of younger generations who are growing up in an age of information overload. Young people who lead stressful lives, burdened by the expectations of a highly competitive world, stand to benefit greatly from Bhagwan Buddha's calming influence and the spiritual techniques that he has given us.
from individual choices to corporate decision making, from public policy decisions to spiritual growth, Bhagwan Buddha's Noble Eightfold Path, which was given on Ashadh Purnima, provide us the path of maximal growth in every endeavor of life, taking the teachings of Bhagwan Buddha forward to future generations is imperative to ensure a peaceful and sustainable future for our planet. Occasions like Ashadh Purnima help us achieve this objective. I wish everyone on the holy occasion of Ashadh Purnima and pray to Bhagwan Buddha for peace, prosperity, and progress of the world. Narendra Modi, New Delhi, Ashadh 21st, Shak Sambat 1944, 12 July 2022. This was the message from Honorable Prime Minister, wishing us all and wishing everyone happiness, prosperity, and peaceful living to all. With these words, I only want to end by saying that the Four Noble Truths and Eightfold Path, which has been shown by Lord Buddha, Bhagwan Buddha, is what we all need to follow. We find in this first discourse of the Buddha known as Dham Chakra Parvartan Sutta, or turning the wheel of Dharma, that he laid the foundation of his teachings by presenting the middle path. The middle path consists of Four Noble Truths, the Eightfold Path. This is the Dharma, the only panacea for all problems. This is the eternal Dharma, Eso Dhammo Sanatano. With these words, I will only say Atma Deepo Bhav in the words of Bhagwan Buddha, that this be, let's all be our own light. When person is self-illuminated, he lightens the world as well. The Buddha, the first became enlightened, and then he enlightened the whole world. Let's walk the path shown to us. Buddhaya Namo. बहुत बहुत आभार श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का उनके उद्बोधन के लिए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए. देवी सज्जनों, हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानवता और देश के प्रति जो सेवा भाव है, उसी करुणा से और उसी प्रेम से ओतप्रोत है जिसका स्रोत भगवान बुद्ध हैं. भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों के विकास की बात हो, बौद्ध चिंतन के प्रचार प्रसार की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री महोदय न सिर्फ उसमें रुचि लेते हैं बल्कि इस देश का और हम सबका नेतृत्व भी वो करते हैं. इस क्षेत्र में भी अलग अलग अवसरों पर बौद्ध चिंतन को लेकर, दर्शन को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उद्गार व्यक्त किए हैं अपने उद्बोधनों के माध्यम से, वो उनको हमने कंपाइल किया है और उसका एक संक्षिप्त रूप है, संपादित वीडियो है, वो हम आप सबके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री महोदय के उस विजन को जिसका संबंध बौद्ध परंपरा से, उससे हम एक बार पुनः परिचित भी हों, लाभान्वित भी हों और प्रेरित भी हों. जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वहीं पूर्णिमा है. आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था. जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है. त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है. भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अष्टांग सूत्र 8 मंत्र दिए. सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मन, सम्यक समाधि, यानी मन की एकाग्रता. मन, वाणी और संकल्प में, हमारे कर्मों और प्रयासों में अगर यह संतुलन है
तो हम दुखों से निकलकर प्रगति और सुख को हासिल कर सकते हैं। यही संतुलन हमें अच्छे समय में हमें लोक कल्याण की प्रेरणा देता है और मुश्किल में धैर्य रखने की ताकत देता है। धम्मपद कहता है, वैर से वैर शांत नहीं होता, बल्कि वैर अवैर से, बड़े मन से, प्रेम से शांत होता है। बुद्ध का ये ज्ञान, मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया। उस आत्मशोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों को का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था। उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अप्पदीपो भव भिक्खवे, अप्पदीपो भव भिक्खवे, परीक्षा भिक्षवो ग्राह्यं मद वचो नतु गौरवात्। अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहण मत करो, बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्पबुद्धं प्रवज्जन्ति सदा गौतम सावका, एसम दिवाचरत्तो च भावनाए रतो मनो। अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में, सद्भावना में लगे रहते हैं, गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं, यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भगवान बुद्ध के प्रति जिस तरह का भाव और भक्ति हम सभी रखते हैं, शायद उसका बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। जैसे लोग मंत्र से मुग्ध तो होते ही हैं, वैसे ही हम बुद्ध से भी मुग्ध होते हैं।
सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा, वो कथा, वो केवल निर्वाण प्राप्ति के पथ की कथा नहीं है। ये कथा है इस सत्य की कि जो व्यक्ति भी अपने ज्ञान, धन, संपदा से दूसरों की वेदना और दुख दूर करने का प्रयास करता है, वह हर व्यक्ति सिद्धार्थ से बुद्ध के राह पर चल पड़ता है, चल सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये हमारे देश की पवित्र भूमि से निकल संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाला जन जन का मंत्र बन। संघम शरणम गच्छामि। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो गुरुभ्यो। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस अवसर के लिए विशेष रूप से अपनी भावनाओं को इस रूप में जो प्रस्तुत किया, शुभकामनाएं दी और अलग अलग अवसरों पर जो उन्होंने उद्गार व्यक्त किए थे उसे हमने कंपाइल करके एक छोटे वीडियो के रूप में आपके समक्ष रखा है। ये सच है, मानवता की सामूहिक चेतना का जो सबसे सुंदरतम स्वरूप है, कल्याणकारी स्वरूप है, वो महात्मा भगवान बुद्ध के विचार, उनका दर्शन, उनका जीवन है। और इसीलिए धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के इस पावन अवसर पर अपना एक विशेष संदेश माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी आप सबके लिए यहाँ भेजा है और वो शुभ संदेश हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय का संदेश। कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मैं धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज आषाढ़ पूर्णिमा का पवित्र दिन है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ की पवित्र भूमि पर अपने प्रथम 5 शिष्यों को पहला प्रवचन दिया था। उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा का यह दिन इसलिए भी अत्यंत पवित्र है क्योंकि परंपरा अनुसार इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी माता महामाया के गर्भ में प्रवेश किया था तथा ठीक 10 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश के माध्यम से मध्यम मार्ग को धम्म के बीज रूप में आरोपित किया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से सांसारिक दुखों के कारण से लोगों को अवगत कराया तथा उनका निदान भी बताया, जिसे द्वादश निदान कहते हैं। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने एक कुशल वैद्य की तरह न केवल मनुष्य के सार्वभौमिक रोगों की पहचान की, अपितु उन्होंने तृष्णा को दुख का प्रमुख कारण बताया। भगवान बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि दुखों के अंत का एकमात्र उपाय है तृष्णाओं की समाप्ति। उनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग पर चलकर मनुष्य दुख से छुटकारा पा सकता है। देवियों और सज्जनों, बौद्ध धर्म भारत की महानतम आध्यात्मिक परंपराओं में से एक रहा है। भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े कई पवित्र स्थल भारत में स्थित हैं। उन अनेक स्थानों में 4 प्रमुख स्थान हैं। पहला बोधगया, जहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। दूसरा सारनाथ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तीसरा श्रावस्ती, जहां उन्होंने सबसे अधिक चातुर्मास किए व प्रवचन दिए। और चौथा कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं से जुड़े अनेक मठ, तीर्थ स्थल, विश्वविद्यालय आदि स्थापित किए गए, जो ज्ञान
और प्रसिद्धि के केंद्र रहे हैं। आज वे सभी स्थल बुद्ध सर्किट के अंग हैं, जो देश विदेश के तीर्थयात्रियों और धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सौभाग्य से बिहार के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति के रूप में मुझे भगवान बुद्ध से जुड़े अनेक समारोहों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता रहा। वर्ष 2018 में मुझे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन का अवसर प्राप्त हुआ था। वर्ष 2019 में राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप की स्वर्ण जयंती समारोह में भी मैं शामिल हुआ था। देवी और सज्जनों, भारत में विद्यमान विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों में लोगों को शिक्षा देने वाले भगवान बुद्ध की स्मृति में निर्मित सांची स्तूप की बनावट राष्ट्रपति भवन की पहचान है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के गुंबद की बनावट सांची स्तूप पर ही आधारित है। आधुनिक युग में भी राष्ट्रपति भवन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण भवन है। जिस पीपल के पेड़ के नीचे समाधिस्थ होकर सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, उसका एक छोटा सा पौधा मंगवाकर नवंबर 2017 में राष्ट्रपति भवन के एक बगीचे में मैंने लगाया। आज वह पौधा लगभग 7.5 फुट ऊंचा हो गया है। उसके बाद सन 2021 में मैंने राष्ट्रपति भवन परिसर के एक उद्यान में उसी पीपल का एक और पौधा लगाया। ये पौधे भगवान बुद्ध की विरासत के साथ जीवंत संबंध के रूप में राष्ट्रपति भवन में विद्यमान रहेंगे। राष्ट्रपति भवन के सबसे प्रमुख कक्ष अर्थात दरबार हाल में राष्ट्रपति की कुर्सी के पीछे भगवान बुद्ध की लगभग 1500 साल पुरानी एक मूर्ति रखी गई है। यह मूर्ति गुप्त काल के दौरान प्रचलित भारतीय यूनानी मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण है। भगवान बुद्ध के सिर के चारों ओर निर्मित प्रभा मंडल, उनके मुखमंडल की शांति, आँखों में करुणा और हाथ की अभय मुद्रा का सुखद प्रभाव सभी देखने वालों पर पड़ता है। इस प्रकार भौतिक शक्ति तथा सांसारिक वैभव का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से निर्मित भवन में अहिंसा, करुणा और शांति का आध्यात्मिक अनुभव होता है। देवी और सज्जनों, हमारे लोकतंत्र पर बौद्ध आदर्शों और प्रतीकों का गहरा प्रभाव रहा है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें धर्म चक्र भी उत्कीर्ण है। लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के पीछे धर्म चक्र प्रवर्तनाय सूत्र अंकित है। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी यह स्पष्ट किया है कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में प्राचीन बौद्ध संघों की अनेक प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी महाकारुणिक बुद्ध के सार्वभौमिक प्रेम और करुणा के आदर्शों का पालन किया करते थे। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं गांधी जी के जीवन और आदर्शों में भी प्रतिबिंबित होती हैं। बौद्ध धर्म का गांधी जी पर ऐसा प्रभाव था कि उन्होंने नम्यो हो रेंगे क्यों मंत्र सीख लिया था और उनके प्रार्थना सत्र इसी मंत्र के साथ शुरू हुआ करते थे। भगवान बुद्ध ने कहा था, नत्थी शांति परम सुखम, जिसका अर्थ है शांति से बड़ा कोई आनंद नहीं है। भगवान बुद्ध के उपदेशों में आंतरिक शांति पर जोर दिया गया है। शांति और विकास एक दूसरे को सुदृढ़ बनाते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के पवित्र दिन इन शिक्षाओं को स्मरण करने का उद्देश्य यही है कि सभी लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों के सम्यक अर्थों को अपने चरित्र तथा मन में डालें तथा विश्व की समस्त बुराइयों और असमानताओं को दूर कर शांति एवं करुणा से युक्त एक संवेदनशील विश्व का निर्माण करें। आइए आज धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के पावन अवसर पर हम सब भगवान बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का, श्री रामनाथ कोविंद जी का, उनके शुभ संदेश के लिए इस अवसर पर जो उन्होंने विशेष तौर पर हम सब के लिए भेजा है। दिव्य सज्जनों, अब समय है बौद्ध सूत्रों के एक संक्षिप्त गायन का। डॉक्टर सुभद्रा देसाई जी,
दिल्ली से यहाँ पधारी हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो प्रस्तुति आपके समक्ष रखेंगी। डॉक्टर सुभद्रा, संस्कृत और पाली की जो प्राचीन रचनाएँ हैं उनको शास्त्रीय रागों पर आधारित करके उनको कंपोज करती हैं। इनमें धम्मपदा और इस तरह की अनेक बौद्धिक रचनाओं को उन्होंने सम्मिलित किया है, कंपोज किया है, और इसके साथ साथ इंडियन कल्चर और म्यूज़िक पर कई रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स भी आपने लिखे हैं। म्यूज़िक इन वाल्मीकिज रामायण और इंडियन वुमेन्स ईयर्स एंड देयर सॉन्ग्स द अनफिटेड नोट, ये आपकी दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं जो आपने लिखी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप संस्कृत पढ़ाती रही हैं। सुभद्रा जी आकाशवाणी की ए ग्रेड की कलाकार हैं और ICCR के पैनल में भी आपका नाम शामिल है। डॉक्टर सुभद्रा देसाई जी के साथ बांसुरी पर हैं गणेश सिंह जी, शुभारंभ आप कर रही हैं मंगल पाठ से। इति पिसो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो। इति पिसो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो। चरण संपन्नो सुगतो लोक विदुवनुतरो
सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुष सब्बमंगलं रखन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते सब्बधम् सब्बसंघानुभावेन सदा